सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल माईटेक फोर में। तो आज के इस वीडियो में आपका एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाऊँ, जिसमें मैं आपका इस टाइप की एडिटिंग सिखाऊंगा, ड्रिप इफेक्ट एडिटिंग से कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने माल के होम स्क्रीन पे। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर ले, यानी कि आप पहले डाउनलोड करने चल जाए, पहले वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ। यहाँ पर वो सबसे यहाँ पर ऑप्शन देखेगा ड्रिप, इस पर आपको ड्रिप को दबा के और गैलरी में से कोई भी फोटो चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं सुनैन भाई की कर लेता हूँ एक फ़ोटो चूज़। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आप इसको अगर आप इंस्टा स्टोरी या इंस्टा पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब कवर, कुछ भी प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट वो आपको रेशियो मिल जाएगी, यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके कर देना। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे टाइप के ड्रिप इफेक्ट दिखेंगे और ऊपर बैकग्राउंड कलर दिखेंगे। और ये PNG बहुत अच्छी निकालता है, ऑटोमेटिक निकालता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसने कितनी अच्छी PNG निकाल दी है खुद ही खुद। तो उसके नीचे आप देख सकते हो पहले इतने सारे इफेक्ट हैं। देखो पहले इफेक्ट मैंने कुछ नहीं किया, एक बार जस्ट क्लिक किया और इतनी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है खुद बवाए। तो और भी आप अलग अलग टाइप के इसमें बहुत सारे ड्रिप इफेक्ट्स हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें से लगा देना। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, जैसे कि ये भी काफ़ी कूल है, बट मुझे ये इफेक्ट सबसे अच्छा लगता है जो कि फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर पर, जो भी आप चूज़ कर लो ये बहुत अच्छा है। जो इसको आप क्लिक करके अपने हिसाब से साइज पे सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको ड्रिप इफेक्ट शो करना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऐड आ रही है, मैं उसको कट कर देता हूँ। ऐड आने के बाद ये देखो बैकग्राउंड में आप कितनी अच्छी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सेट हो सकती है। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो बड़ा छोटा और उसको फिट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड लगा लें। आपको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 5-6 टाइप के बैकग्राउंड हैं और उस 5-6 टाइप में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है। तो अभी मैं शेप्स में देख रहा हूँ, तो शेप्स में सर्कल वाले आ रहे हैं, स्प्लैश है, नेचर है, वर्ल्ड है और सबसे फर्स्ट वाला तो ट्रस्ट था, वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो मेरे को इसमें एक वाटर वाला मैं दिखा देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक तो ये है, ये इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छा है, अभी ये ट्रेंड पर चल रहा है। ये देखो वाटर वाला इफेक्ट, ये इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें ड्रॉप गिर रही है वाटर स्ट्रॉप, तो ये ड्रिप इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बाकी भी लगा सकते हैं अपने मन के हिसाब से, अपने जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको फ़िलहाल ये वाटर वाला ही लगा के रखता हूँ। ये भी आप देख सकते हो मून वाला, अपने हिसाब से आप चाहे तो ड्रिप इफेक्ट ना भी लगाए तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा बैकग्राउंड। तो मैं वाटर वाला ही लगा लेता हूँ वापस से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ऊपर एक टिक का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और ये फ़ोटो आपके फ़ोन में, उससे पहले आप इसको एडिट भी कर सकते हो, उसमें एडिटिंग के बहुत टाइप हैं। तो इस फोटो को सेव कर लेना अपने गैलरी में। तो वीडियो कैसे लगी जो भी बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।